युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनी शिशि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अपने भक्तों की सुविधा के लिए हमने एक एंड्रॉइड ऐप बनवाई है, जिससे कि शनि पीठ मंदिर के जो सभी हमारे भक्तगण हैं वो बड़ी सरलता से हमारे मंदिर की सभी सेवाओं का लाभ उठा सके। इस ऐप का नाम है एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, जिसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो सबसे पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करें तो आपको सीधे प्ले स्टोर पर उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आप इस ऐप को एक बटन दबाकर ही डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने का एक और तरीका है, यदि आप इसके नाम को प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे यानी कि एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, इन वर्ड्स को आप प्ले स्टोर पर चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आप हमारी इस ऐप तक पहुंच जाएंगे। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप हमारे शनि पीठ मंदिर की कई सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आप हमारे शनि पीठ मंदिर से फ्री में ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए समाधान जान सकते हैं और काफी कम प्राइसेस पर आप हमसे अंगूठियां भी खरीद सकते हैं, अपने लिए यज्ञ हवन पूजन इत्यादि का भी आयोजन करवा सकते हैं। ऐसी कई सारी सर्विसेज, ऐसी कई सारी सेवाएं हमारे शनि पीठ मंदिर द्वारा हमारे भक्तों के लिए प्रदान की जाती है। आज 10 मई 2020 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज तृतीय तिथि सुबह 8:04 तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, सुबह 11:51 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल शाम 5:21 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, मैं जो आपको ये डेली राशिफल बताता हूँ ये आपके चंद्र गोचर पर आधारित संकेत मात्र है। आप इनके हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु उसमें देश काल और परिस्थिति की प्लानिंग को भी साथ में जोड़कर ही आप अपने दिनचर्या की जो दिशा है उसको निर्धारित करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। इस समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आइए अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आज शिवजी और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके विवाह में आ रही सभी अड़चने दूर हो जाएंगी। आज आपको शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाना चाहिए और दूध चढ़ाते वक्त शिवजी को ध्यान करते हुए उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके विवाह में आ रही सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें
और आपकी शादी के योगों को और मजबूत करें। माता पार्वती को भी आज याद करते हुए आपको यही प्रार्थना करनी चाहिए। आपको ये उपाय नित्य करना चाहिए और जल्द से जल्द श्रद्धा पूर्वक ये उपाय करने से आपके जो विवाह के योग हैं वो मजबूत होंगे और आपकी जो शादी है वो जल्द ही तय हो जाएगी। आप क्या करती हैं? मैं होम ट्यूशन लेती हूँ, टीचर हूँ। कहाँ रहती हैं? वेस्ट पटेल नगर। तो आप गुरुजी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं आई। कब से परेशान किया? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो अब रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को, 1 जनवरी को, और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। आपको उससे इतनी देर में फ़ायदा हो गया? हाँ जी, आज एक है तो एक महीने में मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरुजी गुरुमा के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताएं करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।